कैपकट ओपन करना है। कैपकट ओपन करने के बाद जिसका भी एडजस्ट करना है तुमको वो वीडियो लेना है, इस पर टैप करना है वीडियो पर, तो एडजस्ट पर क्लिक करो, ब्राइटनेस को कर दो 5, कॉन्ट्रास्ट को कर दो 8, सैचुरेशन को 20 कर दो, इसको कर दो 6, शार्पन को फुल कर दो, फिर ये रेड कलर है ना इसको कर दो अब 50 कर दो, 50 सही रहेगा, इन सब कलरों को 50 कर दो, पर्पल को छोड़कर बस। पर्पल को आपको 30 करना है, 30 कर लेना है पर्पल को। 30 करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, बस पहले कैसा था आप कैसा देख सकते हो, तुम्हारे सामने ही है। अब इसको करते 1080p पर इसको हाई कर देना है, पोर्ट्रेट को फ्रेम रेट को 60 कर देना, फिर इसको सेव कर लेना 1080p पर। ये सेव हो चुका है, फिर कैन मास्टर ओपन करना है आपको, लेयर पे क्लिक करना है, इफेक्ट पे क्लिक करना है, शार्पन को लेना है ना, अपन को शार्पन पर टैप करो, इसको कर दो सर्कल को कर दो फुल कर दो, इन सबको फुल कर दो। तो फुल करने के बाद अल्फा को कर दो, अल्फा ओपेसिटी को 35 कर दो, शार्पन को फुल वीडियो पे ऐड कर लो, एकदम फुल वीडियो पे ऐड कर लो इसको। मैं कैप कट ये काटना भूल गया था, तो मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ। करने के बाद इसका करो, इसको फुल कर लो, इसको फुल वीडियो पे लगा लो, अपना क्वालिटी देखो भाई कैसा होता है, फिर इसको सेव कर लो भाई, इस पर कर लो भाई। मैं HD मेरे मोबाइल में ये होता है तो मैं इसमें करूँगा, इसको शॉर्ट रहने दो, इसको फ्रेम रेट को 60 रहने दो, सेव कर लो। सेव करने के बाद कैपकट ओपन करना है दोबारा, वही क्लिप लेना है जो कैन मास्टर से किया था, देख सकते हो क्लिप को। आपको कुछ नहीं करना है, इसको वाटर मार्क को कर देना है, कट क्रॉप कर देना है इसको। अरे ये क्या हो गया, इसको कर लेना है बीच में करने के बाद इसको जाना एडजस्ट करना है इसको थोड़ा सा, HSL में जाकर ये वाला ब्लू कलर को कर देना है 20 कर देना 20, इस वाले को कर देना 20 या 27 ऐसे कुछ कर देना, इसको करते अपन 20 कर दो, इसको 27 करने के बाद देखो क्वालिटी कैसा हो गया, पहले कैसा था और अब कैसा हो गया, इसको सेव कर लो। फिर आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट कर देना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर अपलोड करूँ।